आसमा को बेवफाई की सजा, मौत देने वाले अदनान उर्फ बल्लू को कोर्ट ने दी उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा। देखिए 13 दिन के भीतर ही कोर्ट ने कैसे सुनाया फैसला। बल्लू मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। काट डाली गर्दन। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITL लर्न। IITL से कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया एबीबीएस GMC कॉलेज में, जैसे कि सेम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनिए। माय नेम इज शेख इंशा मोहम्मद आरिफ। माय सेल्फ अंसारी मुस्तफा। माय सेल्फ शेख सदर फजना। माय नेम इज अंसारी सानिया। माय सेल्फ शेख नदीम। माय स्कोर इज 656 इन नीट 2024 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITL लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। आई स्कोर्ड मार्क्स 600 इन नीट 2024। आई हैव स्कोर्ड 611 मार्क्स इन नीट 2024 एग्जाम। आई हैव स्कोर्ड 99.2 परसेंटाइल इन MSTCET 2024। आई डिड माय प्रिपरेशन फ्रॉम IITL लर्न। तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। खलनायक पिक्चर के डायरेक्टर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस फिल्म से प्रभावित होकर सच में कोई कातिल बन सकता है। हम आपको ये जो तमाम वारदात बता रहे हैं, ये वारदात कुछ ही महीने पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बल्लू ने आसमा को बेवफाई की सज़ा, मौत के घाट उतार करके बताया कि कैसे उसके नज़र में बेवफाई और दोस्ती में धोखा, ये इसकी सज़ा सिर्फ मौत ही है। और इसी के बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस मामले पर 78 दिन लगातार कार्रवाई के बाद 13 दिन के वर्किंग डे पर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा अदनान उर्फ बल्लू को सुनाई है और उम्र कैद के अलावा इस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें अदनान उर्फ बल्लू को इस मामले पर अब तक जो कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नगर का ये निवासी तो ज़रूर था, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा शक था क्योंकि इसकी प्रेमिका जो शादीशुदा है, मृतक आसमा थी, उसे यही था कि शक उसकी आसमा किसी और के साथ भी जो है प्रेम संबंध में, और यही कारण, शक के कारण जो है उस बल्लू ने मौत के घाट उतारा। और मौत के घाट उतारने के बाद अपने आप को बल्लू बताते हुए खलनायक पिक्चर से प्रभावित होकर के उसने ये कदम उठाया, इस तरीके का बयान दिया था। बहरहाल इस पूरे मामलात को लेकर कोर्ट ने उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस पूरे मामलात को लेकर श्रीलोक कुमार जो स्थानीय पुलिस है उसने क्या जानकारी दी है वो सुनाते हैं। सजा सुनाई गई है, क्या है सर पूरा मामला? ये 11 जून को थाना खुर्जा नगर में एक अदनान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और उसने ये बताया था कि वो इस घटना के पीछे खलनायक मूवी से प्रेरित हुआ था और उसमें कैरेक्टर है बल्लू, उसके तरह ही वो अपनी वेशभूषा रखता था और इसी प्रकार का उसने बयान भी दिया था। इस जघन्य घटना पे विवेचना मात्र 9 दिवस में पूरी करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी गई और FTC जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नंबर 2, इसमें इस पूरे प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण का ट्रायल किया गया, जिसमें कि आज अभियुक्त अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में FIR से लेकर सजा तक में मात्र 78 दिन लगे हैं और इसमें जो लोग अहम भूमिका में थे वह सर्वप्रथम जो इस प्रकरण में विवेचक थे निरीक्षक अजय कुमार जो तत्कालीन खुर्जा नगर के थाना प्रभारी थे, इसमें 2 ADGC साहब थे विजय शर्मा जी और कुश कुमार जी, इन लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारे साक्ष्य के आधार पर बहुत ही उम्दा इन लोगों ने पैरवी करते हुए ये सजा की ओर इस केस को मोड़ा। साथ ही साथ जो थाने के पैरोकार हैं सुनील कुमार, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग SPRA द्वारा की जा रही थी व निरंतर इस केस की पैरवी की जा रही थी। इस प्रकरण को DGP साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन में चिन्हित किया गया था और इतनी अल्प अवधि में हत्या के केस में सजा ये बुलंदशहर का ये संभवतः प्रथम केस है जो कि इतनी कम अवधि में एक हत्या आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
इसमें जो लोग भी इस सजा कराने में जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू, हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी। हाँ। और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर मैं। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया। हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर कराया मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे? जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया तुमने, मार दिया? और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्त को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या, क्या बनना आगे चल के, क्या करना? क्या बनना आगे चल के? ये तो सजा काटने के बाद में पता लगेगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना या बुरा बनना। जितना भी बदला ले मैं ना, जितने भी बदले ले मैं ना, बंटवारे ले मैं मिस्त्री सिर्फ। अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना तो घर न उड़ात्मा बम से समझ लो। अच्छा। सबको मार दूंगा लूंडिया चूतों को। बम बनाना आवे तेरे पे? बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मो कोई बात ना, टैंकर जी ऐसी चीज है। अच्छा। सीख जम्मो, कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मो। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं दर्शक फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।